हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमान्स यूनिक डायरी में। दोस्तों, हरियाली तीज आने वाला है बहुत ही जल्दी। 19 तारीख को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाएगा जो कि सावन महीने में पड़ती है, इसको हरियाली तीज कहते हैं। 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन आपको कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर दान करना चाहिए। दान कौन सी चीज़ें होती हैं? वो होती हैं श्रृंगार सामग्री। ये बातें बस बता रही हूँ कि श्रृंगार की सामग्री आपको ज़रूर दान करना चाहिए। कुछ भी हो, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे कि बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, सिंदूर हो गया है, ये आपको ज़रूर दान करना चाहिए। इसके साथ साथ जिसमें आपको मेन चीज़ जो मुख्य रूप से दान करनी चाहिए वो है हरे मेहंदी। मेहंदी अब आपको जो हाथों में लगाते हैं वो मेहंदी आपको ज़रूर दान करनी चाहिए, क्योंकि हरियाली तीज है, हरे रंग का विशेष महत्व होता है, तो हरी चीज़ों का दान करना तो बनता है। इस दिन आप हरे रंग का ही कपड़ा पहनिए, हरी साड़ी या हरा सूट जो भी पहनिएगा, और हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर पहने। ये विवाहित महिलाओं को भी करना है, चाहे आप व्रत हों या नहीं हैं तो भी कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं होता है, इससे लाभ बराबर मिलता है। अगर कुंवारे हैं तो भी ये उपाय आप कर सकती हैं। हरे रंग का सूट, हरी चूड़ियाँ, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुहागन ही पहनती हैं, आपको वो भी पहन सकती हैं। और इन सुहाग की सामग्री का आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है आप उन्हें दान कर सकते हैं। व्रत नहीं है तब पर भी आपको दान जरूर करना चाहिए। कोई पंडित जी आते हैं, मतलब गुरु माता हैं, उनको दान कर दीजिए या मंदिर में दान कर दीजिए। इस तरह से जो भी ज़रूरतमंद है उनको दान कर दीजिए, किसी को भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप, क्योंकि शनिवार का दिन पड़ रहा है तो आपको कुछ चीज़ का और दान करना चाहिए। शनिवार के दिन काले चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो आपको इस दिन काले उड़द दान कर दीजिए या फिर काला तिल दान कर दीजिए। कोई भी ऐसी तरह की काली चीज़ होती है, काली मिर्च दान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर काला उड़द तो आप दान कर सकते हैं, कोई ले भी लेगा। पंडित जी को दान कर दीजिए, किसी की ज़रूरतमंद है उसको दान कर दीजिए। इससे क्या होता है, शनि ग्रह भी आपका मजबूत होता है, शनि से संबंधित जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं, और भगवान शिव को भी प्रिय होता है तिल, काला उड़द, ये सारी चीज़ें। तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता गौरी का। ये काम आपको हरियाली तीज के दिन जरूर करना है। अब आ जाते हैं अपने पहले उपाय पर। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत अक्सर बीमार हो जाता है, या इस समय बीमार चल रहा है, या उसको कोई बड़ी बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, या फिर दवाएं जब तक चलती हैं ठीक है, फिर नहीं होता, दवाएं असर नहीं करती है, इस तरह की समस्या है, तो आपको ये उपाय जरूर एक बार करके देखना चाहिए। इसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, ज़्यादा नहीं, मात्र एक बेलपत्र आपको लेना होगा, और एक लोटा जल ले लीजिए, जो जल आपको अपने घर से ही भर कर लेना है। दोनों सामान लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। वहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, जो आप बेलपत्र लेकर के गए हैं उसको उस लोटे से जिसमें जल आप लेके गए हैं उससे छुआना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए उस लोटे जल में नहीं डालना है, ना जल में छुआना है, लोटे से बाहर से आपको उसको टच करा देना है उस बेलपत्र को, और उसके बाद उस बेलपत्र को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए। इसके बाद जो एक लोटा जल आप लेके गए हैं वो जल, एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको वो जल भी अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। अब यहाँ पर आप ध्यान क्या करना है, जब आप जल चढ़ाएंगे तो वो जल जो नीचे गिरेगा, शिवलिंग से जल नीचे गिरेगा, उसको आपको जितना हो सके इकट्ठा कर लेना है। इसका एक तरीका और भी होता है कि आप एक और पात्र लेकर के चले जाएं और उसे पहले ही वहाँ पर रख दें, जब आप जल चढ़ाएंगे तो वो पात्र में इकट्ठा हो जाएगा, पर जितना संभव हो सके उतना जल आप इकट्ठा कर लीजिए उसी लोटे से। आपने इकट्ठा कर लिया, अब आपको क्या करना है, वो जल को लेकर के अपने घर चले जाना है। वहाँ पर जो भी बीमार व्यक्ति है उसको देना है, आचमनी कर लेगा वो, उसके ऊपर छिड़क भी देना है, उसको आचमनी करवा देना है, थोड़ा सा पी भी लेगा, और इसके साथ साथ पूरे घर में उस जल को आपको पूरे घर में छिड़काव करना है, छिड़क देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरे घर में उसको छिड़क दीजिएगा। बाथरूम को मत डालिएगा, बाथरूम को छोड़ के हर जगह छिड़क दीजिएगा। आप महसूस करेंगे धीरे धीरे बीमार व्यक्ति के ठीक हो रहा है या दवाइयों का असर होना शुरू हो रहा है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरे उपाय में अगर आपके घर में कलह बहुत ज़्यादा रहती है, सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, मतभेद रहता है, एक दूसरे को लेके मन में एक होता है ना खुंदक जैसी चीज़ें वो रहती हैं, परेशानियाँ आती हैं, जाने का नाम ही नहीं लेती है, मतलब कुछ ना कुछ घर में लगा ही रहता है, किसी को परेशानी, कभी किसी को कोई परेशानी, कभी किसी की जॉब चली गई, नौकरी नहीं लगी, मतलब कुछ भी समस्या है घर में, तो आप ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए लेना होगा आपको इत्र, एक छोटी सी शीशी लगेगी इत्र की, मार्केट में मिलती है, पूजा की जो दुकान होती है छोटी सी, आपको 10-20 रुपए में दे देंगे छोटा सा इत्र का
वो ले लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको लेना होगा 5 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे ना हो, सीधे साधे हों, साफ़ सुथरे बेलपत्र लीजिएगा। अगर बेलपत्र ना मिल पाए, अगर मान लो नहीं मिल पाता है, कहीं कहीं होता है नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़े रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे, आपको 5 बेलपत्र धो लेने हैं साफ़ सुथरे जल से, और वही बेलपत्र आपको इस्तेमाल करना है। तो 5 बेलपत्र ले लिया आपने, इत्र की एक शीशी ले ली और एक लोटा जल ले लीजिएगा और लेकर के चले जाइए शिव मंदिर। ये उपाय आपको शिवलिंग शिव मंदिर में ही करना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने इत्र लिया हुआ है और 5 बेलपत्र की डंडियाँ, 5ों बेलपत्र की डंडियाँ जो होती हैं नीचे की, वहाँ पर आपको इत्र लगाना है। 5ों पर आप इत्र लगा लीजिएगा जो आपने लिया हुआ है। इत्र लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी पूजा करनी है, शिवलिंग की दिया जलाना है, जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, वो सब आप कर लीजिए। जल चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, सब कर लीजिए, ये उपाय आपको बाद में करना है। फिर जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं वो आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। अब ऊपर चढ़ाते हुए आपको 5 अलग अलग नाम लेने हैं, एक ही नाम से नहीं चढ़ा देना है, 5 नाम लेते हुए आपको अलग अलग चढ़ाना है। सबसे पहला आप बेलपत्र चढ़ाइएगा, मुख रखिए उत्तर दिशा की तरफ और बेलपत्र की जो डंडी है जहाँ से जल गिरता है माता अशोक चंद्री की तरफ रखिएगा। अब आप पहली बेलपत्र चढ़ाइएगा और ये आपको भगवान भोलेनाथ शिव शंकर भोले भंडारी के नाम से ये चढ़ाना है। भोलेनाथ के नाम से हर हर महादेव कहते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के स्मरण करते हुए आप ये चढ़ा दीजिएगा पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र जो आप चढ़ाएंगे वो गणेश भगवान के नाम का, ओम गणेशाय नमः, गणेश भगवान को स्मरण करते हुए दूसरी बेलपत्र चढ़ानी है। तीसरी बेलपत्र जो आप चढ़ाएंगे वो सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए आपको चढ़ाना है, ओम सूर्याय नमः, या फिर सूर्य भगवान को स्मरण कर लीजिए, उनके नाम से चढ़ा दीजिए। चौथी बेलपत्र जो आप चढ़ाएंगे वो विष्णु भगवान के नाम से चढ़ाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या विष्णु भगवान को स्मरण करके उनके नाम से चढ़ा दीजिएगा। और जो लास्ट का 5वां बेलपत्र आपके पास रहेगा वो आपको दुर्गा माता अर्थात जगत जननी जगदम्बा माता गौरी माता का स्मरण करते हुए उनके नाम से चढ़ा देना है। हो गया ना, 5 बेलपत्र आपने 5 भगवान के नाम से अलग अलग से चढ़ाई है। और आपको पता होगा ये जो 5 आपने भगवान के नाम लिए हैं ये शिव पंचायत कहलाते हैं। इन सभी देवों से आपने प्रार्थना, उसके बाद जो भी मनोकामना है, समस्या है, वो आप व्यक्त कर दीजिए। शिव पंचायत आपकी समस्या का जरूर समाधान निकलेगा, आपकी परेशानी ज़रूर दूर होगी। ये उपाय करके देख लीजिएगा, किसी भी दिन कर सकते हैं। पर हाँ, अगर ऐसी तृतीया तिथि पंचमी तिथि आ जाती है कुछ विशेष दिनों में, इसका विशेष महत्व होता है। दिन के किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत आसान उपाय है, एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।